इटावा में कैथुदा गांव के निकट जरेल के बालाजी के पास चंबल नदी पर हाई लेवल ब्रिज का निर्माण होगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के प्रयास से केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने इसकी स्वीकृति जारी कर दी है। चंबल नदी पर हाई लेवल ब्रिज का निर्माण अब किया जाएगा। केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने इसके लिए स्वीकृति जारी कर दी है। इटावा, बारा और मध्य प्रदेश के सीमावर्ती जिलों से सवाई माधोपुर और जयपुर को जोड़ने में खातौली कैथुदा सवाई माधोपुर सड़क की महत्वपूर्ण भूमिका है। इस मार्ग पर कैथुदा के पास चंबल नदी पर एक कम ऊंचाई की काफी पुरानी पुलिया बनी हुई है। बरसात के दिनों में जलस्तर बढ़ने पर यह पुलिया डूब जाती है, जिससे कनेक्टिविटी भी खत्म हो जाती है। क्षेत्र के लोग लंबे समय से यहाँ हाई लेवल ब्रिज के निर्माण की मांग कर रहे थे। करीब 2 वर्ष पूर्व हाई लेवल ब्रिज स्वीकृत हुआ, लेकिन वन क्षेत्र के आने के कारण यहाँ निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं हो सका। लोगों ने स्पीकर बिरला को इसकी जानकारी दी तो उन्होंने केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय से इसकी स्वीकृति दिलाने के प्रयास प्रारंभ किए। वे इसको लेकर मंत्रालय से निरंतर संपर्क बनाए हुए थे। मंत्रालय की गुरुवार को केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री डॉक्टर भूपेंद्र यादव की अध्यक्षता में हुई बैठक में वन क्षेत्र में निर्माण की स्वीकृति जारी कर दी गई है। इससे अब जल्द ही कैथुदा गांव के बाहर पुल का निर्माण कार्य प्रारंभ हो सकेगा।